मायसेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने अल्कलॉइड्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना शो करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप सबको पता है कि वो एक्शन कहलाता है जिससे ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर लिविंग किसी भी फॉर्म के अंदर उसकी जो भी डिसीज़ है उसको हम लोग क्योर करते हैं या उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ये अल्कलॉइड प्लांट में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बायो एक्टिव या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकली हमारी जो भी डिसीज़ है उसको ठीक करते हैं, क्योर करते हैं। तो ये जो अल्कलॉइड्स टाइप के जो प्लांट्स हैं ये हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो अल्कलॉइड्स जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं, आपने मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी करा हुआ है, तो ये जो मेटाबोलाइड है अल्कलॉइड्स, ये हमेशा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको प्लांट्स अपने एक्सक्रेटरी फॉर्म में रिलीज आउट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अल्कलॉइड्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि हमारी डिसीज़ को ट्रीट करता है और ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इल्यूट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें बेसिकली कि हमारा जो अल्कलॉइड्स है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अल्कलॉइड्स हैं हम लोग किन ग्रुप्स को अल्कलॉइड्स बोलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको अपने दिमाग में रिमाइंड करके रखना है कि जो अल्कलॉइड्स कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे, जो केमिकल्स होंगे, हम उसको अगर केमिकल्स बोलें तो वो जो केमिकल्स है उसके अंदर नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होता है, मींस उसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जो अल्कलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलॉइड्स बोलते हैं, राइट। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं, जो वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है रिंग वो प्रेजेंट होती है, वो या तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मींस अगर साइकिल स्ट्रक्चर है तो या तो उसके अंदर वो रिंग प्रेजेंट होती है या फिर वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों टाइप से नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उस केमिकल के अंदर। तो बेसिक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जो भी अल्कलॉइड कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप एसेंशियल है, मीन्स उसकी जो एक्टिविटी है वो उसी नाइट्रोजन के कारण ही होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज से मतलब ये होता है कि जो हमारा अल्कलॉइडल जो केमिकल है उसका नेचर कैसा है। नेचर में हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि वो लुक वाइज कैसा है, वो केमिकली वाइज कैसा है, वो सॉलिबिलिटी वाइज कैसा है, उसके हम लोग सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें कि जो मोस्टली अल्कलॉइड्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, राइट, मींस उनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन सम ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल अल्कलॉइड्स भी हमको मिलते हैं जिनका कलर्स होता है। तो इसमें आपको कुछ कलरफुल अल्कलॉइड्स के बारे में भी बताया गया है। लेकिन अगर जनरल कोई आपसे पूछेगा कि उसके अंदर कलर होता है कि नहीं होता है, तो यू कैन से कि मोस्टली अल्कलॉइड्स आर इन कलरलेस नेचर। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो पुअरली क्या होते हैं, वाटर में हमारे डिसॉल्व होते हैं, मींस वो वाटर में नहीं अच्छे से घुल पाएंगे, उनके लिए हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ही ज़रूरत होती है। मींस जो अल्कलॉइड्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, मींस वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही अच्छे से डिसॉल्व हो पाते हैं। लेकिन वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे लेकिन अच्छे से वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे, तो मींस वो पुअरली सॉल्युबल रहेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर।
तो नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें कि जो मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स हैं उनका अगर हम लोग टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट उनका कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। मींस वो अगर हम लोग उनका टेस्ट करके देखेंगे तो मैक्सिमम हमको बिटर नेचर के दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस नेचर के भी हमको शो होते हैं। मीन्स पॉइजनस मतलब वो हमको पॉइजन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो हमारे अल्कलॉइड्स होंगे वो फॉर अ टेस्ट हमको बिटर नेचर के लगते हैं, मीन्स उनका जो नेचर होगा वो बिटर इन नेचर का होगा। तो ये अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेन प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि जो हमारे अल्कलॉइड्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दिस कि बेसिकली जो हमारे अल्कलॉइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनका डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। और अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारे जो अल्कलॉइड्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिक में ज़्यादा हमेशा सॉल्युबिलिटी होती है एज़ कम्पेयरटिवली टू अदर। तो वो वाटर में लेकिन वो ईजीली सॉल्युबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके टेस्ट की तो इसका जो टेस्ट रहेगा वो हमको बिटर टेस्ट इसका ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन होते हैं अल्कलॉइड्स के, तो जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो क्लासिफाई हुए हैं तीन कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट आता है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, बायोसिंथेटिक मतलब उसका प्रोसेस के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन। सेकेंड आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मींस केमिकल्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और तीसरा आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मींस उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो अल्कलॉइड्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। बायोसिंथेटिकली मींस उनका सोर्स क्या है, मींस वो कहाँ कौन कौन से सोर्स से, वो जो ग्रुप्स हैं हमारे अल्कलॉइड्स के वो कौन कौन से सोर्स से हमको मिल रहा है, तो उस बेस पे हमने अपने अल्कलॉइड्स को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। सेकंड आता है केमिकल, केमिकल के बेस पे हम लोग कैसे करेंगे कि उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसके बेस पे हम लोग अल्कलॉइड्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, राइट। और नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल। अब फार्माकोलॉजिकल में हम लोग कैसे करेंगे, तो फार्माकोलॉजिकल में डिवाइड जो होगा वो होगा हमारे जो अल्कलॉइड्स हैं उनकी एक्टिविटी कैसी है, मींस वो कौन सी डिसीज़ को ठीक कर रहे हैं, मींस उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। अगर कोई ड्रग अगर सेम एक्शन सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है तो उसको हम लोग सेम कैटेगरी में रखेंगे। तो हम लोग तीन क्लासेस में हमने अपने अल्कलॉइड्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द बायोसिंथेटिकली, केमिकली और फार्माकोलॉजिकली। इन तीनों के अंदर अलग अलग टाइप से अल्कलॉइड का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहना चाहिए कि जो एक्टिव कंसिट्यूएंट्स हैं हमने हमने एक्टिव कंसिट्यूएंट्स के बेस पे हमने अपने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोसिंथेटिकल बेस में क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो हम किसके बेस पे डिवाइड करेंगे, वो हम लोग डिवाइड करेंगे उसके प्रीकर्सर के बेस पे। प्रीकर्सर के बेस पे मतलब कि उसका सोर्स क्या है, वो हमको कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, राइट। तो अगर किसी का प्रीकर्सर कोई अगर कोई हमारा केमिकल है जिसका प्रीकर्सर सेम है तो वो सेम प्रीकर्सर वाले जो हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उसको हम लोग सेम कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि मॉर्फिन हो गया, पेपेवरीन हो गया, निकोटीन हो गया, इन सब का जो प्रीकर्सर सोर्स है आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे, मॉर्फिन, पेपेवरीन और नार्कोटीन, तो इन सब के स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर रहते हैं, कुछ वेरिएशंस रहता है इनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो वो फंक्शनल ग्रुप के चेंजेस लेकिन उनका जो सोर्स होता है वो सेम प्रीकर्सर से इन लोग सारे बनते हैं। तो हम लोग वो जो सेम प्रीकर्सर वाले जितने भी हम लोग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग सिमिलर क्लास के अंदर उसको रखेंगे। तो ये हमारा होता है बायोसिंथेटिकली क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं फार्माकोलॉजिकल बेस पे। अब फार्माकोलॉजिकल बेस पे आता है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मीन्स अगर कोई
एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कोई किसी का पेन रिमूविंग है, तो वो सारी वो ऐसी ड्रग्स वो हमारे केमिकल्स जो कि हमारी एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग एनाल्जेसिक में रखेंगे। कोई अगर ड्रग है जो कि एंटी मलेरिया है, एंटी मलेरियल है, तो अगर कोई ड्रग एंटी मलेरिया है तो मीन्स वो मलेरिया को ट्रीट कर रही है, तो जो भी ड्रग मलेरिया को ट्रीट कर रही है तो हम लोग उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। मतलब फार्माकोलॉजिकल मतलब वो डिसीज़ को ठीक करना, ठीक है। तो जो जो डिसीज़ है हमारी उनको जो जो ड्रग ठीक कर रही है उनको हम लोग डिसीज़ के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजिकली वो डिसीज़ के साथ हम लोग उसको रखेंगे। तो इस तरीके से अगर जो अरेंजमेंट रहता है हमारा वो हमारा कहलाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने किस तरीके से रखा है, तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमने केमिकल मींस स्ट्रक्चर, मींस हमने स्ट्रक्चर बेस पे हमने अपने जो भी हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको हमने क्या किया है, अरेंज किया हुआ है। जैसे पाइरिलोडोन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये सारे जो 1 से लिख के 12 तक के जो भी हमारी रिंग्स के नाम लिख रखे हैं, पाइरिलोडोन, पाइपरिडीन, पाइरोलोजिडीन, ट्रोपीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, इमिडाजोल, प्योरीन, स्टीरॉयडल, अमीनो और डाइटरपीन्स, तो ये सारे जो हमारे केमिकल्स जो हमारे ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या करते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स जो भी जिसका स्ट्रक्चर है उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी ड्रग्स है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर हमारा जो भी प्लांट का सोर्स, प्लांट का जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंज करते हैं। तो ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर तीन स्टेप्स देखे। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू बायोसिंथेटिकली, तो बायोसिंथेटिकली में हम किस किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लांट प्रीकर्सर। तो प्लांट प्रीकर्सर के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो भी केमिकल्स हैं उसको हम लोग अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि वो ड्रग्स, वो केमिकल्स जो कि डिजीज को प्रिवेंट करें, क्योर करें, तो वो सारे जो भी हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारी कौन सी डिजीज को क्योर कर रहे हैं, हम लोग उसके बेस पे हम अपनी जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के प्लांट्स हैं या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, हम लोग अपने कंस्टिट्यूएंट्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल से मतलब है कि हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो फंक्शन जो भी हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो केमिकल है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको स्क्रीन में जितने भी 1 से लेके 12 तक जो भी आपको रिंग दिखाई दे रही है वो रिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को उसके उसके साथ जो केमिकल्स के साथ उस ग्रुप को अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा पायरोल रिंग है, ठीक है, वो किस तरीके से बनता है। तो जो पायरोल्स रिंग है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पाइपरिडीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ट्रोपीन का स्ट्रक्चर, तो ट्रोपीन के स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम लोग क्विनोलिन को देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। आइसोक्विनोन को देखें तो आइसोक्विनोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद लास्ट है इंडोल। इंडोल रिंग इस तरीके से होती है कि इसमें एक बेंजीन और एक पेंटोन रिंग अटैच होती है। नेक्स्ट अगर हम इमिडाजोल, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद प्यूरिन्स का देखेंगे तो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है नाइन्थ नंबर पे टर्पिनोइड्स।
तो टर्पिनॉइड्स हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये सब जो स्टीरॉयडल है 10th वन, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं हमको जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब के अंदर इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है वो चेंज होता है। नेक्स्ट आता है पेनीथिरॉन, पेनीथिरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा अल्कलॉइडल है उसका आइसोलेशन किस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक